हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर एनसीईआरटी इंग्लिश बुक की यूनिट थर्ड का चैप्टर सेकंड नसरुद्दीन एम्स। सो लेट्स स्टार्ट। वन डे नसरुद्दीन वाज चैटिंग विद हिज फ्रेंड। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे। ही बिगेन टू बोस्ट नो वन कैन मैच माय स्किल इन आर्चरी। फिर नसरुद्दीन ने अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलना शुरू किया। कोई भी तीरंदाजी में मेरी कला का मुकाबला नहीं कर सकता। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो। वूश, द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। मैं प्रत्यंचा खींचता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर चलाता हूँ, और जो मेरा चलाया हुआ तीर होता है वो एकदम सटीक निशाने पर ही लगता है। हियरिंग दिस, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली बॉट अ बो एंड सम एरोज। ये सब सुनकर नसरुद्दीन का एक दोस्त जल्दी जल्दी गया और कुछ तीर और एक धनुष ले आया। गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सैड, उन्हें नसरुद्दीन को देते हुए कहा, हेयर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज। ये लो नसरुद्दीन, इन ये जो धनुष और तीर हैं इन्हें पकड़ो। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट ही सेड, एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। फिर उन्होंने एक निशाने की तरफ उंगली करते हुए कहा कि इस निशाने को अपना लक्ष्य बनाओ और तीर चलाओ। देन नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, स्ट्रंग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। उसके बाद नसरुद्दीन ने धनुष को अपने हाथ में लिया, उसकी जो प्रत्यंचा थी उसको खींचा, निशाना साधा और तीर चलाया। वो द एरो डिडंट हिट द टारगेट। जो एरो था, जो तीर था, उसने टारगेट को नहीं किया हिट। इंस्टीड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, और इसके बजाय वो तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा हा हा, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग। उनके जो सब दोस्त थे वो तो हंसने लगे। दे सैड, वो कह रहे थे, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम? क्या यही था तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना? ओ नो, अरे नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, सैड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने कहा अपने आप को बचाते हुए। दिस वॉजेंट माई एम, इट वॉज आज़ाद सेम। ये मेरा निशाना नहीं था, ये तो आज़ाद का निशाना था। I just showed you how आज़ाद shoots an arrow। मैं तो आप सबको बस दिखाना चाहता था कि आज़ाद कैसे निशाना साधता है। Saying this, ये कहते हुए नसरुद्दीन picked up another arrow। Once again he strung the bow, aimed at the target and shoot the arrow। इसके बाद जब एक बार फिर नसरुद्दीन ने प्रत्यंचा खींची, निशाना साधा और तीर चलाया। This time the arrow fell a little further from where it had fallen before। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो तीर था जहाँ पहले गिरा था उससे कुछ दूरी पर जाकर गिरा। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन अभी भी ये निशाने पर नहीं लगा। दे आस्क नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। फिर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा कि ये तो अब तुम्हारा ही निशाना होगा। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं, नसरुद्दीन बहस करने लगे। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये निशाना भी मेरा नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये तो चीफ गार्ड का निशाना था। नाउ समबडी रिमार्क, वेल नाउ हु इज़ द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। अब कोई नसरुद्दीन का मजाक उड़ाते हुए बोला कि अच्छा, अब किसकी बारी है तुम्हारी लिस्ट में। हियरिंग दिस, ये सुनकर ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग। जो सारे दोस्त थे वो ठहाके लगाकर हंसने लगे। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने एक शब्द नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, उन्होंने एक और तीर उठाकर चलाया। एंड अगेन, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। और इस बार जो नसरुद्दीन थे वो बहुत लकी थे, बहुत भाग्यशाली थे। क्यों? क्योंकि जो उनका तीर था वो एकदम निशाने पर लगा। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, सभी लोग नसरुद्दीन को घूरने लगे। देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट, और जो उनके मुंह थे वो आश्चर्य से खुले रह गए थे। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, नसरुद्दीन सैड ट्रिम्फेंटली, नसरुद्दीन ने गर्व से कहा, डिड यू सी दैट, इट वॉज माई एम, क्या तुमने देखा, ये था मेरा निशाना। सो ये थी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। चैटिंग मतलब होता है बातचीत करना, आर्चरी मतलब तीरंदाजी, स्ट्रिंग मतलब प्रत्यंचा या फिर खींचना, टारगेट मतलब निशाना, डिफेंडिंग मतलब बचाव करना, अमेजमेंट मतलब आश्चर्य, ट्रिम्फेंटली मतलब गर्व से या फिर खुशी से। सो इस पार्ट में इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, एंड जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।